नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में उनके जन्म स्थान ननकाना साहब पाकिस्तान से चली अंतर्राष्ट्रीय शोभा यात्रा भारत के विभिन्न राज्यों एवं शहरों से होकर धनबाद सेंट्रल गुरुद्वारा साहिब पहुंची, जिसके पश्चात इसके स्वागत और दर्शन को सैलाब उमड़ पड़ा। गणमान्य लोगों के द्वारा गुरुद्वारा में पहुंचकर नानक देव की अमूल्य दुर्लभ धरोहरों का स्वागत व दर्शन किया। मौके पर यहां सिख समाज द्वारा आयोजित नगर कीर्तन में भी शरीक हुए। सिख समाज के लोगों ने अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया। झारखंड राज्य के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि ये यात्रा हमारे राज्य में पहुंची है। गुरु नानक देव जी की जन्म स्थली ननकाना साहब पाकिस्तान से यात्रा चलते हुए अमृतसर, पंजाब के विभिन्न स्थानों से होते यूपी होते बिहार, कल कोडरमा में जो बिहार झारखंड का बॉर्डर था वहाँ मैं रिसीव किया हूँ और फिर आज धनबाद में पहुँचने वाली है। पीछे हजारीबाग बगोदर होते हुए कोडरमा होते हुए पहुँची है। मैं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की ओर से और अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी की ओर से, अपने झारखंड सरकार के सभी मंत्रियों की ओर से इस यात्रा का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस यात्रा में श्रोमणी कमेटी के जो प्रबंधक लोग आए मैं उनका भी कह दिया स्वागत करता हूँ। ये यात्रा श्रोमणी कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह लोंगोवाल की देख रेख में चल रहा है और गुरु नानक का जो संदेश था, गुरु नानक साहब ने मानवता के लिए जो संदेश दिया था कि मानव जाति एक है, एक पिता एक अस के हम बारक तू मेरा गुरुहाई, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नारी जाति स्त्री जाति को जो गुरु नानक साहब ने सम्मान दिया, कहा था जो क्यों मंदा किए जिस दर्जा में राजान, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यात्रा झारखंड में आई है। मैं झारखंड की यात्रा में सफलता के लिए कामना करता हूँ और संपूर्ण झारखंडवासी को। ये रथ कहाँ कहाँ गया? ये देखिए, पहले पंजाब से आते हुए यूपी होते हुए बिहार पटना तखत साहब में पहुँचा, वहाँ से ये रथ तखत साहब से कल चल कर कोडरमा में शाम को पहुँचा। कोडरमा से होते हुए हजारीबाग रात्रि विश्राम था, फिर हजारीबाग से निकल के बगोदर होते हुए लोग चाँचे धनबाद जाएगा और इसके बाद धनबाद से कल निरसा होते बंगाल चला जाएगा। फिर उसके बाद ये रथ 31 तारीख को जमशेदपुर आएगा और 1 को जमशेदपुर आएगा, 2 को रांची आएगी। रांची को 2 को रात्रि ठहराव है, उसके उपरांत 3 तारीख को गुमला के माध्यम से उड़ीसा चली जाएगी। इस तरह विभिन्न राज्यों में जा रही है। मेरा नाम गुरविंदर सिंह सेठी, उपाध्यक्ष